Tag TV updates you about Corona situation in in Canada and and around the globe. Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. मैं न्यूज बुलेटिन शहजा सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस कनाडा में ओमिक्रोन के फैलाव का खतरा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पाबंदियां नाफिज कर दी गई ऑन्टेरियो में हुकूमत का अहम पाबंदियों का एलान कैनेडा में लॉकडाउन के लिए आवाम की हिमायत में कमी होने लगी अवामी सर्वे के मुताबिक मुल्क भर में 55% फीसद ऐसी ज्यादा सर्वे लॉकडाउन के हामी जुलाई में ये तिरसठ लॉकडाउन के हामी थे कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा मरीजों की मजमू तादाद अठारह लाख छियानवे हजार चार सौ बासठ तक जा पहुंची जबकि हलाकते तीस हजार तिरसठ हो गयी अमरीकी अवान नुमाइंदान के अरकान का अफगानिस्तान के असासे बहाल करने का मुतालबा अरकान अवान नुमाइंदान का कहना है कि अमरीका ऐसे मुआशी इकदाम ना करे जिससे अफगान अवाम को नुकसान उठाना पड़े इतिहादियों और इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वालों के साथ खड़े हैं हथियारों के दौर में रूस अमरीका मुकाबला जारी जदी तरीन ड्रोन का कामयाब तजुर्बा ड्रोन बारह घंटे तक फिजा में उड़ान बरकरार रखने की सलाहियत का हामिल है जदी टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन फिजा से ज़मीन और फिजा से फिजा में हदफ को निशाना बना सकता है दुनिया भर में कोरोना वायरस की खतरनाक किस्म ओमिक्रोन का फैलाव जारी भारत में ओमिक्रोन केसेस की तादाद 200 हो गई अमेरिका में ओमिक्रोन से पहली हलाकत की तस्दीक हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल एब्जॉर्बन और हाथ नर्म मुलायम और साफ आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com कनाडा के बड़े हिस्से में नई पाबंदियां नाफिज होने लगी हैं क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोविड 19 की पांचवी लहर ने हफ्ते के आखिर में मुल्क भर में हज़ारों नए केसेस देखे मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कनाडा के बड़े हिस्से में नई पाबंदियां नाफिज होने लगी हैं क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोविड 19 की पांचवी लहर ने हफ्ते के आखिर में मुल्क भर में हजारों नए केसेस देखे क्यूबैक और नोवास्कोशिया ने इतवार के रोज अपने रोजाना के केस की गिनती के नए रिकॉर्ड कायम जब किए जबकि ऑन्टेरियो में चार हजार एक सौ ऐसी इजाफी इन्फेक्शन की इतना मिली जो गुजश्तर रोज के मुकाबले में आठ सौ ज्यादा थी टोरोंटो में सेहत आमा के सख्त इकदाम एक, एक बार फिर नाफज अमल है रेस्तोरानों में सलाहियत की हदें और समाजी इज्तम की हद पर पाबंदी है प्रेमियर फोर्ड ने नई पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा कि की कोविड की नई कस्म ओमिक्रोन वेरियंट इतना मुतादी है कि इस की इससे सेहत की देखभाल के निजाम के दबाव में आने का खतरा है रेस्तोरान जिम और बहुत सी दीगर अंदरूनी तरतीबात में अब पचास फीसद सलाहियत की हद है इंडोर समाजी इज्तम में दस से ज्यादा लोग शिरकत नहीं कर सकते और बैरूनी समाजी इज्तम में ज्यादा से ज्यादा पच्चीस शुरा की इजाजत है घरों मैदानों और दीगर बड़े मकाम पर अब खाना या मशरूबा पेश करने की इजाज़त नहीं है ये इकदाम उस वक्त सामने आए हैं जब केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं ट्रांटो पब्लिक हेल्थ हुकाम का कहना है कि की क्रिसमस की छुट्टियों के आगाज के साथ ही टोरंटो के चार स्कूलों में कोरोना के हमले का इंकशाफ हुआ है सेंट कैथोलिक स्कूल सर जॉन मैकडोनल्ड कॉलजेट प्रीजर मिस्टर एकेडमी और एस पी आर के स्कूल में तलबा और स्टाफ में कोरोना वायरस की मौजूदगी के इंकशाफ के बाद बड़े पैमाने पर तहकीकत का आगाज कर दिया गया है हुरान है की तमाम तर इकदाम के, के बावजूद कोरोना इन स्कूलों तक कैसे पहुँचा हु ने इस बारे में स्कूल आने जाने वालों की छानबीन शुरू कर दी है कनेडियन शहरियों की अक्सरियत का कहना है कि वो अब भी ओमिक्रोन कोविड नाइन्टीन वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए एक और लॉकडाउन की हिमायत में हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं कैनेडियन लोगों की अक्सरियत का कहना है कि वो अब भी ओमिक्रोन कोविड नाइनटीन वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए एक और लॉकडाउन की हिमायत में है ताहम इसके बावजूद एक नए सर्वे के मुताबिक पचपन फीसद ऐसी जायद कैनेडियन सेहत आमा के इकदाम की तजदीद के लिए ये भी ज़ाहिर करते हैं की यही हिमायत कम हो रही है आई पी एस ओ एस की जानब ऐसी की गई गुजश्ता पोलिंग के दौरान पता चला की जुलाई दो हजार इक्कीस में दस में से तकरीबन सात कैनेडियन ने कहा था कि वो वबा की चौथी लहर के दरमियान लॉकडाउन के मजीद इकदाम की हिमायत करेंगे जो सितंबर में कम होकर तिरसठ फीसद रह गई और अब सिर्फ छप्पन फीसद पर आ गई है जबकि मुल्क भर में ओमिक्रॉन से चलने वाली लहर बढ़ना शुरू हो गई है जब सफर की बात आई तो दस में से आठ ने कहा कि वो अपने सफरी मंसूबों को मनसूख कर देंगे अगर कोविड 19 मजीद खराब हो जाए हालांकि 35 फीसद ऐसी जायद ने कहा की के वो केसो में उतार चढ़ाव के बावजूद अगले साल सफर आरोप मुक्र है आई पी एस ओ एस के अवामी उमूर के सी ई ओ का कहना है की कम होती हुई तादाद कैनेडियन की जानब से न सिर्फ बार बार लॉकडाउन पर मायूसी महसूस करने की अकासी कर सकती है बल्कि ये सवाल भी उठा सकती है की के क्या कैनेडा में वैक्सीनेशन की बुलंद शराह के पेश नज़र ये दुरुस्त काम है नई पोलिंग उस वक्त सामने आई जब मुल्क भर में सेहत आमा के यूनिट्स कोविड 19 की पांचवी लहर नजर आ रही है जो इंतहा ट्रांसमिसिबल ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव की वजह से चल रही है डब्ल्यू एच ओ के मुताबिक जुनूबी अफ्रीका में पहली बार शनाख्त होने के बाद से ओमिक्रॉन कनाडा समेत सतहत्तर ममालिक में फैल चुका है कनाडा के ऑनडेड सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद छः लाख तिरपन हज़ार सात सौ सत्ताईस तक जा पहुँची है इस हवाले से मजीद जानते हैं कैनेडा भर में करोना वायरस के फैलाव में कमी देखने में आ रही है आखिरी इतलात के मुताबिक कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मजमु तादाद अठारह लाख छियानवे हजार चार सौ बासठ तक जा पहुँची है जबकि हलाकतें तीस हजार तिरसठ हो गयी मुल्क भर में अठारह लाख तीन सौ सतासी जायद मरीज सेहत याब हो चुके हैं ऑनटेरियो सूबे में करोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है सूबे भर में करोना वायरस ऐसी मुतासर होने वालों की तादाद छ लाख तिरपन हजार सात सौ सत्ताईस तक जा पहुँची है जबकि हलाकतों की तादाद दस हजार एक सौ तेरा है कैनेडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबैक सूबे में हुई है सूबे में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद चार लाख नब्बे हजार दो सौ चौरानवे है जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद ग्यारह हजार छह सौ बयालीस तक पहुँच चुकी है कैनेडियन सूबे अलबर्टा में भी इस मौहिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबटा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है सूबे में तीन लाख बयालीस हजार नौ सौ अड़तालीस अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि तीन हजार दो सौ बानवे अफराध हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कोलम्बिया में केसेस की तादाद दो लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ पैंतीस है जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद दो हजार चार सौ दो है अमरीकी के अरकान ने सदर जो बइडन से अफगानिस्तान के मुंजमिंदा से बहाल करने का मुतालबा किया है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी अवान नुमाइंद के अरकान ने सदर जो बैडन से अफगानिस्तान के मुंजमद असा ऐसी बहाल करने का मुतालबा किया है अमरीकी सदर जो बाइडेन और अमरीकी महकमा खजाना को लिखे गए खत में डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसी वाले एवान नुमाइंद के अरकान ने अफगानिस्तान के असासों की बहाली का मुतालबा किया खत में अरकान का कहना था की अफगानिस्तान के मामले आरोप अमरीकी इतिहादियों और इंसानी हकूक के लिए काम करने वालों के साथ खड़े है अमरीकी हुकूमत अफगानिस्तान के लिए ऐसे मुशी इकदाम ऐसी गुरेज करे जिसका नुकसान अफगान बच्चों औरतों समेत अफगान आवाम को उठाना पड़े ख़त में मज़ीद कहा गया कि आगवानिस्तान की अफ़गानिस्तान की तबाह हाल, हालत से इंसानी अलमिया पैदा होने और खते में महाजरीन के नए बहरान का ख़दशा है अमरीका फौरी तौर पर अफगानिस्तान के मुंजमद असाँस से बहाल करे अफगानिस्तान के असासों पर पाबंदी से दो हजार बाईस में बीस साल के दौरान होने वाली अमवात ऐसी ज्यादा हलाकतों का खदशा है हथियारों की दौड़ में रूस एक बार फिर अमेरिका के साथ मुकाबले में आ गया रूसी वजारत दिफा ने जदीद तरीन ड्रोन के कामयाब तजुर्बे की वीडियो जारी कर दी मजीद तफ़ी आप जानते हैं इस रिपोर्ट में हथियारों की दौड़ में रूस एक बार फिर अमेरिका के साथ मुकाबले में आ गया रूसी वजारत दिफा ने जदीद तरीन ड्रोन के कामयाब तजुर्बे की वीडियो जारी कर दी रूसी वजारत दिफा के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन फ़िजा से जमीन और फिजा से फिजा में हदफ को निशाना बना सकता है और एक बार उड़ने के बाद बारह घंटे तक फिजा में उड़ान बरकरार रखने की सलाहियत का हामिल है वीडियो में ड्रोन की मदद से एक बगैर पायलट हेलीकॉप्टर को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है रूस और अमेरिका के दरमियान हथियारों की दौड़ पुरानी है लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी में अमरीका को रूस पर सबकत हासिल रही है अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक शख्स हलाक हो गया अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस के जो नए केसेस सामने आ रहे हैं उनमें तिहत्तर फीसद ओमिक्रोन के हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वायरस से मुता अफराध की तादाद सत्ताईस करोड़ अट्ठावन लाख चौरानवे हजार आठ सौ अड़सठ तक जा पहुँची है जबकि इस मोजी वायरस से अमवाद तिरपन लाख उन्नासी हजार छह सौ बहत्तर हो गई जबकि चौबीस करोड़ छिहत्तर लाख इक्कीस हजार तीन सौ इकतीस कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं अमरीका में ओमिक्रॉन वेरियंट से एक शख्स हलाक हो गया अमरीकी हुकाम के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुल्क में ये पहली हालाकत है ओमिक्रॉन से हलाक होने वाले शख्स की उम्र पचास साल थी और वो टेक्सास का रिहायशी था अमेरिका में कोरोना वायरस के जो नए केसेस सामने आ रहे हैं उनमें तिहत्तर फीसद ओमिक्रॉन के केसेस हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवाद के एतबार से अमरीका हाल पहले नंबर पर है जहां इस वायरस से अब तक आठ लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ छत्तीस अफराध मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमु तादाद पाँच करोड़ बीस लाख उनसठ हजार छह सौ सड़सठ हो चुकी है भारत में आलमी वबा कोरोना वायरस की नई कस्म ओमिक्रॉन केसेस की तादाद दो सौ हो गयी भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरियंट के केसेस के भारत की बारह रियासतों में रिपोर्ट हुए हैं सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन केसेस रियासत महाराष्ट्र और दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सामने आए एक अरब से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है जहां इस वायरस से चार लाख अठहत्तर हजार सात हलाकतें हो चुकी हैं जबकि इससे मुतासरा तीन करोड़ सैतालीस लाख बावन हजार एक सौ चौसठ मरीज सामने आ चुके हैं सऊदी अरब इसी फहरिस्त में बासठवें नंबर पर पहुँच चुका है जहाँ कोरोना वायरस से अब तक कुल लम्बा आठ रिपोर्ट हुई है जबकि मुम्लिक में कोरोना मरीजों की तादाद पाँच लाख पचास हजार नौ सौ अट्ठासी तक जा पहुँची है टैक्टी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैक टीवी टैक टीवी अपडेटाउट इन कैनडा एंड अराउंड डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू only at TAC TV.